हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड नो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट क्विक हार्ट शेप में बना हुआ लावा केक, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इंस्टेंट। जब भी आपका कुछ मीठा या इस तरह का खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बर्बन बिस्किट ली है, इसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पैकेट लिया है, आप एक पैकेट या दो पैकेट से भी बना सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसे हम तोड़ लेते हैं। इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसकी क्रीम अलग नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो क्रीम अलग करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बर्बन बिस्किट ले रही हूँ, आप अपनी मनपसंद कोई भी कुकीज ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, ओरियो ले सकते हैं या फिर कोई भी चॉकलेटी फ्लेवर की। अब इसे अच्छी तरह से हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। अब ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे पाउडर फॉर्म में कर लिया है, उसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड, 1/4 कप के लगभग इसमें लग जाता है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप इसे मिल्क से भी अच्छी तरह से बाइंड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा। 1-2 टेबलस्पून मिल्क लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह से इसे हम बाइंड कर लेंगे, बिल्कुल डो जैसा बना लेंगे। बहुत ही इजी एंड क्विक ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कंडेंस मिल्क डालें, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा। तो बिल्कुल ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो एक बार हाथों से आप चेक करके देख लें कि ये अच्छी तरह से लड्डू फॉर्म में बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट है। अब यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का एक ये केक टिन है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का, आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसमें ऑयलिंग कर दी है। आप चाहें तो नीचे एक कोई भी प्लास्टिक सीट बिछा लें, जिससे कि इसे निकालने में बहुत ही आसानी रहे। तो अच्छी तरह से दबाकर मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ, जिससे कि इसका जो शेप है वो बन जाए। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद आप इसे चाकू से या फिर किसी भी स्पैचुले से पहले आप इसको रिमूव कर लें, नहीं तो क्या होगा कि आपने लावा केक तो बना लिया, पता चलो ये टिन से ही ना निकले। तो आप या तो आप नीचे इसमें सीट बिछा लें कोई भी, या फिर चाकू से जिस तरह से मैं करूँगी उस तरह से आप इसको पहले निकाल लें, इसके बाद ही आप इसके अंदर चॉकलेट सिरप भरें। तो अच्छी तरह से हमने सेट कर लिया है। अब इसे मैं किनारे से निकाल लूँगी, इसके एजेस जो भी हैं वो निकाल लूँगी। तो हमने इसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम भर देंगे चॉकलेट सिरप, आप चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, या फिर जो डेयरी मिल्क होती है ना उसको भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हमने डो और ले लिया है और इसको अच्छी तरह से फ्लैट करके हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। और जो भी चीज़ करें तो एक बार आप उसे निकाल कर देख लें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपने सेट तो कर दिया लेकिन वो निकलेगा ही नहीं फिर। तो या तो सीट नीचे बिछा लें या तो फिर जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एजेस में मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, जिससे कि ये ईजिली बाहर निकल जाए। अच्छी तरह से देखिए, हमने इसे कवर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया, तो ये देखिए बहुत ईजिली निकल गया है और इसका हार्ट शेप भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। तो ईजिली इंस्टेंट बहुत ही टेस्टी लावा केक हमारा बन गया है। ऊपर से थोड़ी सी हम पाउडर शुगर डस्ट कर देते हैं, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। एक चेरी हमने रख दिया है, तो देखने में बहुत ही सुंदर, बनाने में बहुत ही आसान। यदि आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो ये देखिए, हम इसको कट करते हैं। तो इसके अंदर आप जितना लावा भरेंगे बस ये उतना ही लावा देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भरें, कम से कम, ये टोटल आपके ऊपर है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको ये बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताइएगा, एक लाइक तो बनता है इसके लिए। तो जल्दी से जाइए अपने किचन पे ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।